नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी में। मैं अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशि फल। गोचर में ग्रहों की स्थिति बड़ी प्रबल बन रही है 7 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में। अगर आपकी जो हम राशियाँ बता रहे हैं यह राशियाँ हैं, तो आपके लव लाइफ में एक बहुत अच्छा चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका अगर किसी से नो कॉन्टैक्ट है तो उससे कॉन्टैक्ट होने के योग बन रहे हैं। सेकेंड नंबर, अगर आपको कोई छोड़ के चला गया था या आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या 10 साल पुराना आपका कोई प्यार रहा है जिससे आपका नो कॉन्टैक्ट है या ब्रेकअप हो गया था, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापसी कर लेगा। बशर्ते आपकी कुंडली में जो ब्रेकअप हुआ था या फिर नो कॉन्टैक्ट जब हुआ था उस समय आपकी कुंडली में अंतरसा या प्रत्यंतरसा राहु की ना रही हो तब। देखो, राहु के वजह से जो ब्रेकअप होता है उसमें चांस बहुत कम रहते हैं कि आपका पार्टनर वापसी कर ले, और अगर शनि के वजह से या फिर और किसी ग्रह की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है तो वो व्यक्ति वापसी कर लेगा और लाइफ में पहले की तरह आपका लव लाइफ हो जाएगा। राहु की वजह से होता है तो फिर मुश्किल होता है। अगर आप अपने पार्टनर की हकीकत जानना चाहें, कोई आपको छोड़ के गया है तो क्यों छोड़ के गया है, वो वापसी करेगा भी या नहीं करेगा, रियलिटी जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं ये ओनली गोचर के अनुसार दे रहे हैं। सटीक जानकारी के लिए आपको जो छोड़ के गया है वो कब तक वापसी करेगा और आपके लाइफ में प्रेजेंट में कोई अगर है रिलेशनशिप में तो वो निभा पाएगा या झूठे वादे कर रहा है, उसकी भी हकीकत जानना हो तो आप पर्सनल ही संपर्क कर लेना, ठीक है। हम और लोगों की तरह आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर। अगर आप वृषभ राशि के पर्सन हैं आप खुश हो जाइए, क्योंकि 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में ग्रहों की स्थिति बहुत प्रबल है। अगर कोई आपको छोड़ के गया था या किसी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया था, किसी भी राशि का आपका पार्टनर क्यों ना रहे वो वापसी करेगा और अब वो आपसे माफ़ी मांगेगा, वो कंडीशन होने वाली है। बशर्ते हमने आपको बता दिया है अगर वो दिक्कत नहीं रही आपकी कुंडली में, अंतरसा प्रत्यंतरसा अभी शुभ ग्रह की चल रही है तो 1000% ऐसा ही होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ठीक है। वृषभ राशि वाले खुश हो जाइए। दूसरी राशि, जिस राशि को आप और हम सिंह राशि बोलते हैं, आपके भी एक्स पार्टनर वापसी का योग है। सेकेंड नंबर, आपको अगर किसी ने अनफॉलो कर दिया था या फिर आपके नो कॉन्टैक्ट में हो गया था कोई व्यक्ति या ब्लॉक कर दिया था तो वो आपको अनब्लॉक करेगा, बशर्ते कुछ राशियों का पर्सन। अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं और आपका कोई पार्टनर मेष राशि का रहा है तो वो 100% वापसी करने वाला है। दूसरी राशि, जिस राशि को आप और हम मिथुन राशि बोलते हैं। तीसरी राशि तुला है, चौथी वृश्चिक है, पांचवी राशि मकर है। 5 राशियों की आपकी लाइफ में दोबारा से एक्स पार्टनर आने वाले हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं तीसरी राशि, जिनकी लव लाइफ में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप तुला राशि के पर्सन हैं, आप भी बड़े खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति गोचर में देखें तो बहुत प्रबल हो रही है आपके लिए। आपको जो छोड़ के गया था या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई थी, तो थर्ड पार्टी का चेहरा सामने आ जाएगा और आपका पार्टनर दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाएगा। ये भैया बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, बशर्ते कुछ राशियों के पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। ऐसा नहीं कि हम सभी राशियों के बोल रहे हैं। अगर कोई आपको छोड़ के गया था मिथुन राशि का व्यक्ति तो वो वापसी करने वाला, अगर कोई कन्या राशि का छोड़ के गया था तो वो वापसी कर लेगा, अगर कोई आपको धनु राशि का छोड़ के गया है तो वो वापसी कर लेगा, या कुंभ राशि का। ये 4 राशियों के आपके भी एक्स पार्टनर वापसी आने वाले हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं चौथी राशि, जिनकी लव लाइफ में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पुनः कहूँगा, जानकारी में चंद्र राशि के अनुसार साथ ही गोचर के आधार पर दे रहा हूँ। चौथी राशि है, जिस राशि को आप और हम मकर राशि बोलते हैं। आपके भी भैया अगर कुंडली में अंतरसा प्रत्यंतरसा शुभ ग्रह की चल रही है और दोष नहीं है कुंडली में, तो 100% आपके भी एक्स पार्टनर वापसी कर लेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आपकी किसी भी राशि के पार्टनर क्यों ना रहें और आपकी कुंडली अगर सही है तो 110% वो वापसी कर लेंगे, ठीक है। ये तो रही बात गोचर की। अब आप हकीकत जानना चाहो तो पर्सनल रीडिंग करवा लेना, और अगर आप गोचरी के अनुसार सुनना चाहो तो आप देख सकते हो। अगर खुद आप चेक करना जानते हो तो आपके लिए हमने बता दिया, ये दिक्कत नहीं हो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इस समय आप लोग सावधानियां बरतें, सबसे ज़्यादा आई फ्लू हो रहा है जिसके चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है आँखों में। मुझे हुआ था, बड़ी दिक्कत हुई मुझे 4-5 दिन, हम यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाए। काफ़ी लोगों के कमेंट और मैसेज आए तो मुझे लगा कि हम
वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।